जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है दोस्तों। और आज हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हमारे मन में जो मरने के ख्याल आते हैं कि हम जीवन को ख़त्म कर दें, जीवन को समाप्त कर दें, हमारे साथ बहुत सारी परेशानियां हैं, इनसे हम लड़ नहीं पा रहे हैं, तो इन सभी विषयों को आज हम कवर करेंगे। और आप इन 4 मिनट के वीडियो में आप पूरी जानकारी सही सटीक पा पाएंगे। उससे पहले दोस्तों आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपको अच्छा लगा हो, मुझे फेसबुक और ट्विटर दोनों जगह फॉलो आप करेंगे ताकि आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। हर व्यक्ति के मन में जीवन में कभी न कभी ये एक दौर आ जाता है कि अब जीवन को ख़त्म कर लिया जाए या हमें मरना चाहिए। ये ख्याल आप ये समझते हैं कि ये ख्याल पैसे वालों को नहीं आता या गरीब को नहीं आता, ये जो ख्याल है जीवन को समाप्ति वाला, ये हर किसी व्यक्ति के मन में कभी न कभी आता है। अब इस चीज़ को जो लोग ज़्यादा इसमें डीपली चले जाते हैं वो ऐसे प्रयास और अटेम्प्ट करते हैं, और जो लोग बहुत जिनके पास का वातावरण, जिनके दोस्त मित्र सखा बहुत अच्छे हैं, जो वॉच करते रहते हैं, वो इन चीज़ों से उन्हें बाहर डिप्रेशन से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहली बात होती है डिप्रेशन, ज़्यादा सोचने से, किसी भी विषय पर ज़्यादा सोचने से ये एक समस्या खड़ी होती है। तो पहली बात, आप ज़्यादा सोचना बंद कर दें। दूसरी बात होती है कि आर्थिक हालात सबसे मेन वजह होती है। आर्थिक रूप से लोन ले लेना, आर्थिक रूप से ये कर लेना, वो कर लेना, और पॉजिटिव इतना आर्थिक रूप में सोचना कि लाखों करोड़ों रुपए का हमारे ऊपर कर्ज हो जाता है, और कर्ज एक बहुत बड़ी वजह है। तो आप कर्ज को डिनाई करें, उतना ही जीवन चलने दें ताकि कर्ज न लेना पड़े। रिस्क एक अलग विषय है, रिस्क के मुकाबले आप कर्ज को अगर डाइवर्ट करेंगे तो वो सही नहीं है, क्योंकि रिस्क एक अलग विषय है और अतिरिक्त कर्ज लेना एक अलग विषय है, तो इस विषय पर भी आपको ध्यान देना है। तीसरा होता है कि पारिवारिक विवाह, झगड़े, पति पत्नी के बीच शक, संदेह और घरेलू हिंसा, जो एक बहुत बड़ा वजह है। तो घरेलू जो एक जीवन है दोस्तों, आपको उसे मैनेज करके रखना होगा, उसे बचा के रखना होगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी वजह। आपको ऐसा लगता है कि इन्हें सब कुछ दे देने से या ले लेने से समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या हर समस्या में हम खुद हैं, मतलब उससे परेशान हम खुद होंगे। इस बात को हमेशा आप इल्म रखें, इस बात की जानकारी खुद में रखें कि अगर कोई भी परेशानी खड़ी होती है, अगर हमारी ना समझ की वजह से या हमारी गलती की वजह से, तो उसके दोषी हम रहेंगे और उसके जो परिणाम वो हमें भुगतना पड़ेंगे। तो ऐसा कोई भी कदम लोगों के बहकाव में आकर नहीं उठाना है, हमें बिल्कुल शांति से जीवन जीना है। अभी तीन तो मैंने बेसिकली बात हम उस पर करी कि क्यों हम उस रास्ते पर जाते हैं, अब उस रास्ते से कैसे बाहर आ सकें हम उस पर बात भी करेंगे। पहली बात है, आप जितना बिजी रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, जितना आप बिजी रहेंगे उतना आपका अच्छा रहेगा। दूसरी बात, समाज में हमारी इज्जत है, समाज में हमारा ये है वो है, ये तमाम चीज़ें केवल हमारे आसपास एक दीवार सी है जो हमें इस समाज से जुड़े रहे या मानवता से जुड़े रहें इसके लिए दीवार है। उस दीवार को आप इस तरह से मत लें कि समाज क्या कहेगा, कर्ज हो गया, ये हो गया, वो इन चीज़ों को डिनाई मत। समाज जो चाहे कहना चाहे वो कह सकता है, समाज तो अच्छे को भी बुरा कहता है, बुरे को भी अच्छा कहता है, वो अपने अपने लोग हैं, अपने अपने तरीके का व्यू रखते हैं। तो अगर आपके बीच ये समाज का ताना बाना और इज्जत का ताना बाना है ना दोस्तों, उस पर मत उलझिएगा आप, क्योंकि अगर आप इस जीवन में नहीं रहेंगे, ये जीवन बहुत अमूल्य है, सबसे पहली बात, करोड़ों योनियों के बाद मिला है और हम पर ईश्वर की कृपा है, हम अगर हमारे कोई गलत फैसले से इसे समाप्त कर लेते तो उसके दोषी हम रहेंगे। इसलिए कभी भी जीवन में इस तरह का कोई फैसला अगर जब भी लें तो उससे बाहर आने के लिए आप ईश्वर का स्मरण करें। दूसरी बात, इस बात को दिमाग से बाहर निकाल दें कि मरने के बाद भी सब खत्म, मतलब मरने के बाद सब चीज़ें सही हो जाएगी, ऐसा नहीं है, कायर लोग ऐसा कदम उठाते हैं, तो इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना। तो गुरु मंत्र सुन लीजिए कि आखिरी यकीन जो है वो ईश्वर पर रखें, पूर्ण श्रद्धा के साथ जो चीज़ें उसे समर्पण और ईश्वर पर यकीन कर दें। दूसरी चीज़, अगर आप कोई भी नशा करते हैं, व्यसन करते हैं, उसे छोड़ दीजिएगा। तीसरी बात है, लोगों के बहकाव में मत आइएगा। चौथी बात है, जिन रिश्तों संबंधों की वजह से आप जिस मुकाम पर खड़े हैं उन्हें एक बार रीचेक कर लें कि कहीं कोई दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग या यूँ कहूँ कि कोई गलत फहमियाँ तो नहीं है, उसे भी चेक कर ले। चौथी बात है, पारिवारिक विवाद में हमें दो वक्त का सुकून से रोटी खाना है, ज़मीन जायदाद सब यहीं छोड़ना है, तो हमारे मन में इस चीज़ को लेकर हमेशा एक बात संतोष बनाए रखें और मन में हमेशा संतोष रखें। अगर आप मन में संतोष रखेंगे तो हमेशा आप खुश रहेंगे। खुद को खुश रखना आपकी पहली जिम्मेदारी, तो खुद को खुश रखें। तो अगर आपको अच्छा लगा हो
एक और बात है दोस्तों कि आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आपको समझ फिर भी नहीं आ रहा, तो आप एक बार गीता का पूरा अध्ययन करें, पूरे 18 अध्याय, या तो एक एक अध्याय करके रोज़ पढ़ लीजिएगा, या आप दो दो अध्याय करके, या 7वां या 11वां अध्याय दोनों पढ़ें आप। आपको उससे बहुत कुछ चीज़ें पता लगेगी इस जीवन के बारे में, और आप अध्यात्म की ओर जाएँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो भी आपकी राय हो खुलकर कमेंट्स में लिखेंगे, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ें दोस्तों। जय श्री महाकाल।